Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is barter system of exchange. ये किसके ऊपर है कि अगर आपने कोई चीज खरीदनी है तो आप कैसे उसको खरीदोगे. आज के टाइम में क्या होता है कि आपने कोई चीज लेनी है तो आप पैसे देते हो और वो चीज खरीद लेते हो. लेकिन अगर थोड़े से पुराने टाइम में जाए जब मनी नहीं थी तो क्या था, कमोडिटी फॉर कमोडिटी था. क्या मतलब बना कि अगर आपने कोई चीज लेनी है तो उसके बदले में उसको कुछ दे दो. क्या दे दो, अगर आपने वीट लेना है तो बदले में उसको राइस दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये चीजों का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा और इसे हम क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. जहां पर चीजों का एक्सचेंज किया जाता था अपना काम चलाने के लिए उस सिस्टम को आप क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम. अभी देखो आपने क्या कर लिया, चीजें दे दी और बदले में कोई चीज उनसे ले ली. अब ये सिस्टम पहले के टाइम में तो पॉसिबल था क्योंकि लोगों की वांट्स कम थी, सारे लोग ऑलमोस्ट खेती बाड़ी करते थे, जो उगाते थे आपस में ले लेते थे. अब मेरे को वीट की जरूरत है, मैंने उसको वीट दे दिया, राइस ले लिया, कभी दालें दे दी, कुछ चीज ऐसे एक्सचेंज कर ली. तो पहले वाले टाइम में ये चीजें पॉसिबल थी. अब इसमें डिफिकल्टी क्या आई, जो मनी को हमने चूज किया अपने एक्सचेंज करने के लिए क्या डिफिकल्टीज आई. फर्स्ट इज डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. अब देखो अगर आपने कोई चीज सेल करनी है तो आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो वो चीज आपको दे, ठीक है. अब ए पर्सन ने कुछ बेचना है और बी पर्सन ने वो चीज खरीदनी नहीं है, अब क्या होगा, अब आपको और बंदे ढूंढने पड़ेंगे जो आपकी चीज को खरीद ले. अगर नहीं बंदा मिलता तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसके पास राइज है लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे होगा, तो आप एक और बंदे को ढूंढोगे. तो इसमें क्या होता है, डिफिकल्टीज आती है, मुश्किल आती है. किस चीज में, कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, आपकी डबल वॉन्ट्स मतलब एक्सचेंज करने के लिए जो आपको जरूरत थी वो मिल जाए टाइम पे, ये जरूरी नहीं है. कई बार नहीं मिले तो क्या होगा, आपको अगर वीट की जरूरत है आपको नहीं मिल रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. तो फर्स्ट डिफिकल्टी इज दिस. सेकंड क्या होगा, ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज. ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होती है कि जब आपको कुछ सेल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, आपको इधर गए आप उधर गए, वहां पे आपने मेहनत की, तो ये क्या होती है, ट्रेडिंग कॉस्ट. कुछ ढूंढने की आपको जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कॉस्ट. अब आपने एक काओ सेल करनी है, आप उसको एक किलो गेहूं के बदले में सेल नहीं करोगे ना, कोई बड़ी चीज मिलनी चाहिए, काओ के बदले में हॉर्स मिले, ठीक है. अब क्या करना पड़ेगा, आपको वो बंदा ढूंढना पड़ेगा जो हॉर्स बेच रहा हो तो आप अपनी काओ उसको सेल कर सकते हो. तो ये क्या थी, डिफिकल्टी. इसके कारण इस सिस्टम को छोड़ दिया गया और मनी वाला सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया. थर्ड इज क्या था इसमें, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. कॉमन यूनिट मतलब क्या था कि अगर आपने एक कार सेल करनी है जो कितने की है, 5 लाख रुपीज की है, अब उस 5 लाख रुपीज से आप क्या क्या ले सकते हो, एक काओ, एक बफेलो, एक किलो चावल, एक किलो चीनी, तो कितनी चीजें आएंगी, एस्टिमेट नहीं कर सकते ना क्योंकि उसकी वैल्यू के बारे में पता नहीं है हमें कि चावल कितने के हैं, चीनी कितने की है, वो काओ की वैल्यू क्या है, वो हॉर्स की वैल्यू क्या है. तो इसमें कॉमन यूनिट की वैल्यू का पता ही था कि उस चीज को कितने, उस चीज के कितने प्राइस हैं, उसको कैसे एस्टिमेट करें, एक चीज के बदले में कितनी चीजें हम ले, ठीक है. तो ये क्या थी, डिफिकल्टी.
फिर इसमें था कि लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अब हम क्या करते हैं जब टीवी लेने जाते हैं या मोबाइल लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ पैसे अभी दे जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, हम बाद में दे देंगे, ऐसे करते हैं ना। लेकिन वहां ऐसा सिस्टम नहीं था कि आप फ्यूचर में कुछ पे कर पाओ। आपने क्या किया, एक क्वालिटी के बदले में दूसरी चीज ले ली, तो फ्यूचर तो इसमें आया ही नहीं ना, तो जो फ्यूचर पेमेंट की इसमें कमी रह गई थी, इसलिए हमने सिस्टम को छोड़ दिया। फिर क्या था, डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ द वैल्यू। आप क्या करते हो, जब आपके पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो उसको सेव कर लेते हो, बैंक में डाल देते हो, ठीक है, वो थोड़ा सा पैसा होता है आप लॉकर में लॉक लगा के रख सकते हो। लेकिन पहले वाले सिस्टम में क्या था, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपने वैल्यू को स्टोर करना है तो क्या करना पड़ता था, गेहूं भर के कमरे में स्टोर करके रखना पड़ता था कि इतना गेहूं हमारे पास है, अब उसको कीड़ा लग जाए, नुकसान हो जाए, हो सकता था ना ऐसा, तो इस कारण से इस सिस्टम को छोड़ दिया गया। किस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, मनी वाले सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। फिर डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू। आपने क्या किया, आजकल आप क्या करते हो कि आप जॉब करते हो और आपकी ट्रांसफर हो जाती है, तो आप क्या करते हो, जहां आपका घर होता है उसको बेच देते हो और उसी पैसे से दूसरी जगह घर ले लेते हो, ठीक है, एक मनी आ गई आपके हाथ में। पहले टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप काम नहीं करना चाहते, अगर फार्मिंग नहीं करना चाहते और कहीं और जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे, मनी तो थी नहीं। इसका मतलब कि अगर आपने ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू करनी है तब भी इस बार्टर वाले टाइम में पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस सिस्टम को छोड़कर मनी वाले सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो ये थी इसमें डिफिकल्टीज, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।